नेताजी मुर्दाबाद। माफी दलाली बंद करो, माफी दलाली बंद करो, जीतन माझी दलाली बंद करो, जीतन माझी टिकट बेचना बंद करो, टिकट बेचना बंद करो, जीतन माझी दलाली बंद करो, जीतन माझी इस्तीफा दो, गया तुमको हराएंगे, गया सीट से हराएंगे, जीतन माझी तुम हारेगा, जीतन माझी तुम गया में हारेगा, जीतन माझी तुम्हारे धरती पर तुमको धूल चटाएंगे, धूल इस्तीफा दे, अजीत कुमार इस्तीफा दो, अजीत कुमार इस्तीफा दो, हम पार्टी से इस्तीफा दे, हम पार्टी से इस्तीफा दे, अजीत कुमार हम पार्टी से इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अजीत कुमार इस दलालों के चंगुल से बाहर आओ, अजीत कुमार जीतन माझी के चंगुल से बाहर आओ, अजीत कुमार जीतन माझी के दलाल जैसा चंगुल से बाहर आओ। गाड़ी से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, लोग लगेगा, आप लोग लगते हैं जो हम लोग मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की तैयारी कई वर्ष पूर्व से करते चले आ रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर का सीट बिक चुका है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, इसलिए मुजफ्फरपुर जिले के सभी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और सुबह से ही पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के आवास को यहां के कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है और उनका एक सूत्री मांग है, जो आदरणीय मंत्री जी आप पार्टी से रिजाइन कीजिए, इन दलालों से, समय पर टिकट बेचने वालों से, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वालों के चंगुल से आप मुक्त होइए, हम लोग अब हम सेकुलर में रहने को तैयार नहीं हैं, आप इस्तीफा दीजिए और आगे का दूसरा रास्ता तैयार कीजिए। इन्हीं मांगों को लेकर हमारे कार्यकर्ता सुबह से ही आदरणीय मंत्री जी के आवास को घेरे हुए हैं और उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। देखिए, आज सुबह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे आवास पर सुबह से घेरे हुए हैं। ये सब लोगों का कहना है कि आप पार्टी से इस्तीफा करिए। वजह है कि महागठबंधन मुजफ्फरपुर सीट को नीलाम कर दिया। पिछले 4 वर्षों से हम मुजफ्फरपुर सीट पर लड़ने के लिए सघन तैयारी किए हुए थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतनराम मांझी द्वारा यह कहा गया था कि हर हालत में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर मुजफ्फरपुर से पार्लियामेंट की चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज महागठबंधन के नेताओं ने नॉर्थ बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को एक भी सीट नहीं दिया और मात्र नालंदा, गया और औरंगाबाद में 3 सीट पर इस पार्टी को सीमित कर दिया है। कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, लगातार हम पर इस्तीफा की दबाव दे रहे हैं। हमने कहा है साथियों को कि आप संघर्ष के साथी हैं, यहां तक पार्टी को पहुंचाने में आपकी बड़ी भूमिका है, आप तन मन धन से पार्टी को सींचा है, आगे बढ़ाया है और ऐसे में अगर आपके साथ अनजस्टिस हुआ है तो हम आपके इन मांगों पर विचार करेंगे। हमने कार्यकर्ता साथी से 1 सप्ताह का समय मांगा है और निश्चित रूप से अगर महागठबंधन के नेता इस स्थिति को नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में महागठबंधन को भारी लॉस होगा। और हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के लिए अच्छा उम्मीदवार समझ में आएगा, कार्यकर्ता उसका मदद करेंगे, कार्यकर्ता उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन हमने 1 सप्ताह का कार्यकर्ता भाइयों से, संघर्ष के साथियों से मांग किया है कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, 1 सप्ताह में कोई ना कोई हम लोग रिजल्ट करेंगे। अपने जीवन की खुशियों को संपूर्ण बनाएं, एक कदम फर्टिलिटी की ओर बढ़ाएं। इंदिरा IVF सेंटर खुशियों को दे रहे हैं जन्म।
अब किलकारी गूंजेगी, कोई मस्ती सूझेगी, भर जाएगी खुशियाँ, महकेगी अपनी दुनिया। अनुसंधानता की तुलना में विश्वसनीय नाम इंदिरा इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।